Welcome back in our studio. And in today's news, केनवाही गांव में करंट लगने से 15 साल का नौजवान शदीद जख्मी हो गया। दहशतगर्दों को कैफे करदार तक पहुंचाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लकी न्यूज़ टीवी के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। नाज़रीन, अहम खबर आपको दे रहे हैं। पीएसएल के अगले तराने के लिए बड़ा सरप्राइज। शाइकीन क्रिकेट को जहां हर साल पाकिस्तान सुपर लीग के नए सीरीज का इंतजार होता है, तो वही इन्हें पीएसएल के नए तराने को भी इतनी खुशी होती है। विशाल साल की तरह इस साल भी जब पाकिस्तान सुपर लीग का ऑफिशियल तराना रिलीज किया गया, तो इसे सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना करना पड़ा। इस बार पीएसएल के तराने में नसीबोलाल, आयमा बेग और रैपर तलहा अंजुम और तलहा यूनुस ने अपनी आवाज का जादू लगाया था। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, लकी न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सार्फिन की जानिब से इस गाने को इतना पसंद नहीं किया गया और सोशल मीडिया पर इस गाने से मतलब बेशुमार मीम्स भी शेयर की गई। वाज़ा पीएसएल के तराने में मायूस चंद मदाहों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि पीएसएल 6 के तराने में एक्सेंट चाहिए। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि उस मुतालबे पर रोमानियन हैंडएक्स ने जानिब से रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने सार्फिन की पोस्ट पर कमेंट किया कि इस हैशटैग के साथ हैश एक्सेंट वी वॉन्ट पीएसएल सॉन्ग को ट्रेंड बनाए और एक्सेंट ऑफिशियल पेज पर टैग करें, शायद अब हम बनाएं। इस कमेंट के बाद रोमानियन हैंड एक्सेंट की जानिब से हाल ही में एक ट्वीट की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएसएल 7 या पीएसएल 8। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पीएसएल के अगले तराने के लिए बड़ा सरप्राइज। नज़र मज़ीद खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।